नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, संसार में अनेक लोग आते हैं और चले जाते हैं। सबकी कामना तो यही होती है कि हम संसार में कुछ ऐसा करके जाएं कि जाने के बाद भी लोग हमें याद करें। लेकिन कितने ऐसे हैं जिन्हें हम याद रखते हैं, और जिन्हें याद रखते हैं, क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि उनकी किन बातों को हम याद रखते हैं? वास्तव में यदि आप सोचें तो व्यक्ति अपने गुणों से और अपने कर्मों से याद रखा जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि गुण कहने सुनने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन उन्हें कलयुग में आचरण में लाना कठिन है, जीवन में लाना कठिन है। लेकिन ऐसी भी कुछ दिव्य आध्यात्मिक विभूतियाँ हुई हैं जिन्होंने गुणों को जिया है, अपने जीवन में लाकर लोगों को सिखाया है कि कैसे गुणों को कर्मों में लाना होता है और कैसे गुणवान बनकर समाज और संसार को भी गुणी बनाया जा सकता है, सुंदर बनाया जा सकता है। ऐसी ही एक महान आध्यात्मिक विभूति थी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी। निर्भय, ईमानदारी, समर्पण भाव और सहनशीलता की मूर्ति थी आदरणीय निर्मला दीदी जी। हमारे जीवन में निर्भयता का गुण हमें हमेशा आगे बढ़ाने में मदद करता है। सहनशीलता का गुण सदा लोगों से सम्मान और दुआएं प्राप्त कराता है। ईमानदारी लोगों के दिल में जगह बनाता है और ईश्वर पर समर्पण भाव सबका प्रिय बनाता है, और यह सभी गुण आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी में थे। बड़ी जिम्मेवारियां होने के बावजूद भी वे अपने समर्पण भाव से सदा हल्की रहती थी। उनकी गंभीरता, उनकी उदारता लोगों के दिलों में एक छाप छोड़ जाती थी। इन गुणों को यदि हम अपने जीवन में लाते हैं तो सभी से विशेष और गुणवान बन जाते हैं। तो दीदी जी के इस प्रथम स्मृति दिवस पर हम यही संकल्प लेते हैं कि इन गुणों को धारण कर हम भी गुणवान बनेंगे। एक और कथा आती है मित्रों कि देवों और दानवों के बीच युद्ध हुआ। दानव भारी पड़ने लगे तो जो देवियां थीं वो ब्रह्मदेव के पास पहुंची और उन्होंने कहा कि हमारे देवों की अर्थात पतियों की रक्षा कैसे हो। तब ब्रह्मदेव जी ने कहा कि तुम सब करवा चौथ का व्रत रखो। उन्होंने ऐसा ही किया और देवों की विजय हुई। अनेक पौराणिक इस प्रकार की आख्यान है मित्रों, और भी कुछ कहानियाँ बयां करती है ये करवा चौथ का पर्व। आइए जरा ये भी सुने। नमस्कार, सादर प्रणाम, मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा इंदौर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी को करवा चौथ के पर्व की हार्दिक स्वस्ति कामनाएं समर्पित करता हूँ। हमारे ग्रंथों में जो कथाएं हैं, कथाएं तो अपनी जगह है, लेकिन उन कथाओं का जो निहितार्थ है उसे समझना बहुत जरूरी है। करवा चौथ की कथा को यदि संक्षिप्त में कहूं तो वो कथा यूं है कि एक ब्राह्मण है, उसके साथ बेटे हैं, एक बेटी है, बेटी का विवाह हो जाता है। सातों भाई अपनी बहन को बड़ा स्नेह करते हैं। एक बार मायके में आती है बहन और करवा चौथ का व्रत आ जाता है। करवा चौथ का व्रत चंद्रोदय देखकर ही तोड़ा जाता है। अब बहुत देर हो गई, रात को चंद्रमा निकला ही नहीं, तो एक भाई ने अपने बहन का व्रत तोड़ने के लिए, बहन को भूखी प्यासी वो देख नहीं पा रहा था, सामने घर लगे हुए एक पीपल पर वो चढ़ गया। वहाँ उसने एक दीपक जलाया, सामने छलनी लग दी। दूसरे भाइयों ने बहन को खिड़की में से बताया ऊपर से कि देखो वो चंद्रमा निकल आया। बहन ने व्रत को तोड़ दिया, मगर ये क्या, व्रत चूंकि गलत तरीके से टूटा था इसलिए वो बहन के पति की मृत्यु हो गई। बहन रोने लगी, तभी उधर से इंद्राणी गुजरी। इंद्राणी ने जब उसे दारुण दुख से पीड़ित देखा तो उसे उपाय बताया कि एक वर्ष तक प्रति चौथ के दिन निर्जला उपवास करो तो तुम्हें तुम्हारे पति की पुनः प्राप्ति हो जाएगी। उस बहन ने ऐसा ही किया। अब इसमें समझने वाली बात यह है, ज्ञान वाली बात यह है, कथा तो कथा है मगर उसके पीछे जो निहित संदेश है वो बड़ा प्रेरणास्पद है। पहला संदेश तो ये है कि जब भी कोई किसी तरह का व्रत धारण करे तो व्रतधारी से जुड़े हुए लोग मोह के वशीभूत होकर
कोई ऐसा झूठा कार्य नहीं करे जिससे व्रत भंग हो। जैसा कि वो एक भाई ने पीपल के पेड़ पर चढ़कर दीपक और छलनी का प्रयोग किया, ये मोहवश किया गया। मोह अंधकार का प्रतीक होता है। और दूसरी बात ये जो इंद्राणी ने समझाई उस बहना को, वो ये कि नियमित व्रत कर, यानी किसी भी कार्य को यदि हम नियमित करते हैं, रेगुलर करते हैं, तो उस कार्य का सुपरिणाम आता है। ऐसा कहते हैं कि ये नियमितीकरण का अभ्यास किसी भी व्यक्ति को परिपक्व बनाने के लिए बहुत ही कारगर उपाय है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। आज्ञा दीजिए प्रोफेसर राजीव शर्मा को, पुनः शुभकामनाएं, नमस्कार। निर्मला दीदी सादगी और सरलता की प्रतिमूर्ति थी। यद्यपि उनका जन्म एक बहुत ही धनाढ्य परिवार में हुआ था, लेकिन वहाँ भी वो बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन जीती थीं, और यही सादगी उन्हें आध्यात्म के पथ पर चलने में भी और साथ ही यहाँ भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा मूर्ति बनने में मददगार बनी। क्योंकि कहा जाता है जितनी सादगी उतनी ही श्रेष्ठता, बाहर से जितनी सादगी थी उनमें, विचारों में उतनी ही ज़्यादा श्रेष्ठता थी। कोई उन्हें देख करके ये नहीं कह सकता था कि ये इतनी बड़ी विश्वविद्यालय की जॉइंट चीफ हैं। बहुत ही साधारण से कमरे में रहना, बहुत ही साधारण कपड़े, बहुत ही साधारण खान पान, कोई भी विशेष चीज़ नहीं कि मुझे ये चीज़ खानी है, मुझे ये चीज़ करना है, नथिंग। बहुत ही सहज, बहुत ही सरल और बहुत ही सादा जीवन। शायद उन्हीं को देखकर ये कहा गया सादा जीवन, उच्च विचार को हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए, क्योंकि सादगी ही विचारों में श्रेष्ठता लाती है। आज दीदी का स्मृति दिवस है। आइए महकती यादों में उनके जीवन के अन्य पहलुओं को देखते हुए, गुणों को देखते हुए, हम भी अपने जीवन को उन गुणों से महकाएं। ओम शांति। डॉक्टर बीके निर्मला दीदी एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने कई अलग अलग भूमिकाओं में समाज के कल्याण में अपना अनुपम योगदान दिया। वह एक डॉक्टर, योगी और आध्यात्मिक नेता थी। उन्होंने ध्यान, ज्ञान और परिवर्तनकारी मार्गदर्शन के माध्यम से दुनिया भर में लोगों को सशक्त बनाया। उनका जन्म सन 1935 में मुंबई के एक उच्च मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार में हुआ। युवा निर्मला के विचार अपने से कम भाग्यशाली लोगों की मदद करने की ओर प्रवृत्त थे। मुंबई में अपनी चिकित्सा की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर निर्मला ने अपनी चिकित्सा विशेषज्ञता गरीब ग्रामीणों को समर्पित कर दी। सन 1962 में 27 वर्ष की आयु में वह ब्रह्मा कुमारीज की शिक्षाओं से परिचित हुई। डॉक्टर निर्मला ने मुंबई में एक बीके केंद्र की भी शुरुआत की, साथ ही साथ अपनी चिकित्सा सेवाएं भी आपने जारी रखी। 7 साल तक अपनी प्रैक्टिस चलाने के बाद डॉक्टर निर्मला ने अपना जीवन आध्यात्मिक सेवा के लिए संपूर्णतः समर्पित कर दिया। वर्ष 1971 से 1978 तक डॉक्टर निर्मला ने यूके, अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मॉरिशस में ब्रह्मा कुमारीज का प्रतिनिधित्व किया। डॉक्टर निर्मला ने वर्ष 1975 में अपनी संक्षिप्त यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया में राजयोग ध्यान की शुरुआत की। सन 1978 में वह पुनः ऑस्ट्रेलिया लौट आई और अगले 30 वर्षों तक एशिया ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र के लिए ब्रह्मा कुमारीज की क्षेत्रीय समन्वयक के रूप में वहां सेवा पर उपस्थित रहीं। ज्ञान सरोवर के निदेशक के रूप में उन्होंने ज्ञान सरोवर परिसर में विभिन्न वर्गों तथा अन्य लोगों के लिए आध्यात्मिक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किए। सन 2021 में वह ब्रह्मा कुमारीज की संयुक्त मुख्य प्रशासिका बनी। 20 अक्टूबर 2023 को
वह अपने नश्वर शरीर का त्याग कर परमानंद और शांति की यात्रा पर निकल पड़ी। हम आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर ऐसी मातृतुल्य व्यक्तित्व के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि देते हैं। मित्रों, भारतवर्ष में जो भी पर्व मनाए जाते हैं उन सब के पीछे बहुत गहन आध्यात्मिक भाव है। जो भी विधि विधान पूजा पाठ की विधियां अपनाई जाती हैं उन सब के पीछे कोई ना कोई सुंदर रहस्य है। महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं, बहुत सुंदर थाली सजाती हैं जिसमें करवा अर्थात मिट्टी के पात्र का प्रयोग किया जाता है। चांद को छलनी से देखा जाता है, फिर उसी छलनी से अपने पति का चेहरा भी वो देखती हैं। इन सब के पीछे बहुत सुंदर और गहन मर्म है, जिन्हें जान करके ये अनुभव होता है कि सचमुच जिन ऋषि मनुष्यों ने हमारे पर्वों की शुरुआत की वो कितनी विद्वतापूर्ण की और साथ ही इन सब के पीछे कितने गहन भाव थे। तो करवा चौथ के पीछे क्या आध्यात्मिक रहस्य है, आइए देखते हैं। साजन बना तू बाबा मेरा, सजनी बनी मैं बाबा तेरी। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जिसके भाव को हमको समझना है तो कहते हैं कि चंद्रमा जो है वो ब्रह्मा का स्वरूप है। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं, परमात्मा महावाक्य सुनते हैं तो उसमें परम पिता परमात्मा ज्ञान सूर्य है और जिनको वृद्ध रूप में बताया गया है ब्रह्मा को वो चांद के रूप में बताया गया है। यानी जो ब्रह्मा है उनके अंदर चंद्रमा के समान शीतलता है, तो हम सितारों के अंदर भी वो चांद के समान शीतलता का गुण होना चाहिए। कहते कृष्ण ने भी द्रौपदी को कहा था तुम करवा चौथ का व्रत रखो तो तुम्हारे पति की माना पांच पति जो बताए जाते हैं तो उनकी लंबी आयु होगी। आप अपने जीवन में उस परम शक्ति परम पिता परमात्मा जो हमारा पति है, आत्मा का पति है, उसके साथ योग लगाकर अपने जीवन को बहुत 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 सुखमय बनाए। सजनी बनी मैं बाबा तेरी। बड़ी दादी जी, दादी प्रकाशमणि जी जो इस विश्वविद्यालय की चीफ थी, वो कहा करती थी उनके लिए कि तुम शेरनी हो। हाथी तो झुंड में घूमता है लेकिन शेर अकेले ही जंगल में विचरण करता है। तुम जहाँ भी जाओगी वहाँ तुम्हें सफलता मिलेगी। इस निर्मलता और निर्भयता को साथ लिए हुए आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय को इस ऊंचे मुकाम तक पहुंचाने में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ऐसी दिव्य विभूति, ऐसी चैतन्य देवी जो आज भले ही हमारे बीच नहीं है, आज हम उनकी प्रथम पुण्यतिथि मना रहे हैं, अपने गुणों से हमेशा ही हमारे हृदय में जीवित रहेंगी और हमें प्रेरित करती रहेंगी कि हम भी अपने जीवन को ऐसे ही श्रेष्ठ आदर्शों पर चलाएं और अपने जीवन को अनेकों के लिए ऐसी प्रेरणा मूर्ति बना लें कि सबको आध्यात्म की ओर चलने में सहजता हो। जीवन